आज ही के दिन 1586 में अकबर के नवरत्नों में से एक बीरबल विद्रोही यूसुफ जई के साथ एक लड़ाई में मारे गए। 1836 में आज ही के दिन सैमुअल कॉल्ट ने कॉल्ट रिवॉल्वर के लिए पेटेंट लिया। 1925 में आज ही के दिन पूर्व सोवियत संघ और जापान के बीच राजनयिक रिश्ते कायम हुए। 1952 में आज ही के दिन नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में छठे शीतकालीन ओलंपिक खेलों का समापन हुआ। 1962 में आज ही के दिन आम चुनावों में कांग्रेस पार्टी की जीत हुई। 1986 में आज ही के दिन फिलीपींस में तानाशाह फर्डिनांड मार्कोस का शासन खत्म हुआ। 1987 में आज ही के दिन सतह से सतह तक मार करने वाली भारत की प्रथम मिसाइल पृथ्वी का सफल प्रक्षेपण हुआ। सन 2000 में आज ही के दिन रूस की निचली संसद ड्यूमा ने भारत के साथ द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधि का अनुमोदन किया। 2006 में आज ही के दिन दीपा मेहता की फिल्म वॉटर को गोल्डन किन्नारी पुरस्कार मिला। और आज ही के दिन 2008 में सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब व HDFC के विलय के लिए शेयर अनुपात को मंजूरी दी गई।